विराजमान करवा दिया। आज भी भारतीय बीएसएफ के जवान वहाँ पूजा करते हैं और उनकी ही पूजा घटनाओं से सिद्ध होता है कि हनुमान जी आज भी हैं, अभी भी हैं। जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा भैया, वह हनुमान जी की कृपा को पा जाएगा। इसीलिए तो हमने गाया है, कबन सुकाज कठिन जग श्री राम। इसलिए हनुमान जी को कोई भी काम दुनिया में कठिन, लेकिन तुम लोग कहोगे गुरु जी हमारे तो एक नाम राम जी का लेते हैं। पत्रकार हमसे पूछ रहा था, ए महाराज पहले के जमाने में भागवत होती थी, पुष्पक विमान लेने आता था, आजकल इतनी भागवत बैलगाड़ी ना भी आए ऊंट गाड़ी तो आ जाए, क्या बात है? भागवत बदल गई क्या या कथा डिस्टर्ब हो गई? हमने कहा ठटरी के भरे न कटा, कथा नहीं बदली ना भागवत बदली, कथा वही है, बस सुनने वाला राजा परीक्षित जैसा नहीं है और कहने वाला सुखदेव जी जैसा नहीं है। अगर दोनों जुड़ जाएं तो आज भी उसे संकट दुख कितना भी आ जाए, अपने दुख में ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा दुखी है। हाँ, एक बार जयपुर की एक घटना है विनोद की। दो मित्र थे, एक का नाम चंगीलाल एक का नाम मंगीलाल, दोनों कमरे में लेटे थे, भूकंप आया तो अरे दूसरा बोले सो जाओ, कौन अपने बाप का गिरना है, किराएदार का गिरेगा है? ऐसी बुद्धि लगाने वाले भी विचित्र लोग हैं जिन्हें अपना अहित नहीं दिखाई देता। भैया हम हाथ जोड़ करके आज की कथा में प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, हनुमान जी की कथा से एक चीज जरूर सीखो, प्रचार नहीं विचार करना सीखो। क्या करना सीखो? विचार। ये हनुमान जी का गुण है, हनुमान जी कोई भी काम करने के पहले विचार करते हैं, इसलिए हम लोग